Santa. Yet we are with another video. We are standing in front of great Sufi saint Hazrat Hazrat Inayat Hasan Shah Rahmatullahi Taala in the Baisuri district of Rampur, and we are accompanied by blessed company of Hafiz Ji. Hafiz Ji, kuch आपका नाम बताइए सर. मोहम्मद रियासुद्दीन. सरकार जी, ये फसादी जो गेट है, हाँ, ये खान का बैतूल शरीफ सदर दरवाज़ा. इसकी तामीर आपकी जी कब हुई है? तामीर तकरीबन 44 साल पहले इसकी तामीर हुई. तकरीबन एक अंदाज़ बंगाल बता रहा हूँ. और इसकी तामीर में खुसूसन हाजी अहमद हसन साहब ने, जो सूफी जी टूला के मुरीद और खलीफा थे, हैं, उन्होंने तामीर कराई अपने पीर भाइयों के तवस्सुत से. और ये उनके पीर मुर्शिद सूफी जी टूला हतुल्ला खाजा मोहम्मद रियासुद्दीन शाह साहब के मुरीद और खलीफा हैं. अब हम आपको ले चलते हैं सरकार के रोज़े के पास. हाफिज जी, बताइए सरकार की शान के बारे में, सरकार के नाम के बारे में, सरकार की शान इलाही, जो सरकार का पैगाम है, सरकार की जो नूर की बारिशें हैं, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएँ. हफ्तुल्ला खाजा मोहम्मद रियासुद्दीन शाह साहब, हफ्तुल्ला खाजा मोहम्मद नबी रियाशाह रहमतुल्लाह के मुरीद व खलीफा और सज्जादा नशीं हैं. और आप अपने वक्त के बहुत ही मुतकी परहेजगार खुदा तर्स इंसान थे. और कारण अपने बिरादर ग्रामी हफ्तुल्ला खाजा मोहम्मद नबी रियाशाह रहमतुल्लाह से बेहद बेपनाह मोहब्बत और उल्फत रखते थे. और नस्बत कामला उनको हासिल थी और दौरान तालीम बेहद एहतराम का जज्बा उनके दिलों में था. आप तालीम याफ्ता होने के साथ साथ बहुत मोहतब और अकीदतमंद थे. बुजुर्गान दीन के खुदूस अपने भाई हफ्तुल्ला खाजा मोहम्मद नबी रियाशाह रहमतुल्लाह के. और आप तालीम हासिल करने के बाद बरसरे रोज़गार जब आप हुए तो आप एक तहसील में SDM के पोस्ट पर थे. जब आपके भाई साहब का विसाल हुआ हफ्तुल्ला खाजा मोहम्मद नबी रियाशाह रहमतुल्लाह का, तो आपको अपने भाई के सरदारी के लिए मुंतखब किया गया. और आपके जो हैं अपने भाई के सिलसिले को आपने वसी पैमाने पर पूरे हिंदुस्तान में फैलाया अपने मुरीदों और खुलफा के ज़रिया. माशाल्लाह, माशाल्लाह. आइए सरकार की. अभी जी थोड़ा बताइए सरकार का विसाल कब हुआ और किस सन में हुआ है? खाजा मोहम्मद इनायत शाह साहब का विसाल मुबारक 1360 हिजरी मुताबिक 26 अक्टूबर सन 1941 को हुई. सरकार की हजरत आपकी विसाल फरमाने के बाद आपके सज्जादा नशीं हयातुल्ला खाजा मोहम्मद राहत हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह, जो आपके औलाद नदीने में आपका शुमार होता है, आप भी आपके बाजू में आराम फरमा है. ये जो हमारे हजरत दादा मियां पर दादा उसी कहा मियां, इनके बारे में हमें कुछ मालूमात जी. तो आप खाजा मोहम्मद इनायत हसन शाह साहब के साहबजादे हतमुल्ला खाजा मोहम्मद राहत हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह हैं. और आप अपने वक्त के औलिया कामिलीन में आपका शुमार होता है. अपने वक्त के ऐसे बुजुर्ग थे जिसकी शहादत हमें अजमेर शरीफ के खादिमों में खुदरा नंबर 6 से
फखरुद्दीन चिश्ती साबरी ने जो अपना बयान दिया था कि अपने ज़माने के बुज़ुर्गों में राहत मियाँ क़िबला जैसे कोई बुज़ुर्ग नहीं थे। जो आप क्या नाम है अजमेर शरीफ जब जाया करते थे तो 24 घंटा क़याम करते थे, कभी दिन में 12 घंटा, कभी रात में 12 घंटा, कभी 24 घंटा, और ज़्यादा क़याम में फरमाते थे, फौरन वापस आते थे। और हज़रत का क़याम ज़्यादातर साबिर पाक में होता था, दो दो महीने, तीन तीन महीने तक। तो आपको ख़ास नस्बत इश्किया वहाँ से हासिल है, और आपकी ज़िंदा करामत यह है कि आपकी विसाल फरमाने के बाद जब आपकी 40वीं की फातिहा हुई तो तमाम ज़ायरीन साहिब सिलसिला मुख्तलिफ अतराफ़ के लोग यहाँ इकट्ठे हुए और 40वीं शरीफ के फातिहा के बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए, जिसमें हाजी अहमद साहब जो सिलसिले के एक मुरीद और ख़लीफ़ा हैं वो भी तशरीफ़ लाए थे, वो भी चले गए। जब वो गए यहाँ से बरेली शरीफ, तो बरेली शरीफ में अपने लोगों से कहा कि अपना सामान गाड़ी से कोई मत निकालो, क्योंकि कल सुबह बॉम्बे की गाड़ी से हम लोग को जाना है, तुम लोग खाना खाओ, आराम करो। उसके बाद तमाम लोग उनके साथ वाले फौरन जो है आराम करने के लिए कोठी के अंदर गए, खाना खाया, आराम किया। जो भी सामान यहाँ से ले गए थे भैंसोड़ी शरीफ से गाड़ी में रख करके, वो सब बदस्तूर उसी के अंदर बंद रहा। अचानक 2 बजे रात के बाद हाजी अहमद साहब को दादा हजूर रात में क़िबला ने बशारत दी कि अरे हाजी साहब तुम बम्बई जा रहे हो, खानकाह नहीं बनवाओगे। तो हाजी साहब फौरन बेदार हुए, अपने लोगों को जगाया और फरमाने लगे कि भाई देखो, राहत में क़िबला ने यह बयान दिया है और यह बताया है मुझे कि तुम बम्बई जा रहे हो, खानकाह नहीं बनवाओगे, तो भैया हम बॉम्बे अब नहीं जाएंगे, हम भैंसोड़ी शरीफ जा रहे हैं, खानकाह की तामीर के सिलसिले में वहाँ काम करेंगे, और तुम लोग जाओ हमारे बेटे से कहना पैसे भेजो। और यह बयान, जो बयान के हाजी अहमद हसन ने दी, वही बयान भैंसोड़ी शरीफ के एक साहब सूफी इरफान मियाँ, जो हमारे हजरत क़िबला ख़्वाजा मोहम्मद फसाद हसन शाह साहब के मुरीद हुए हैं, आपने दस्त तलब बढ़ाया अपना और सरकार से मुरीद हुआ, और आपका विसाल होता है लखनऊ शरीफ के आस्थाने पर। तो दो बुज़ुर्गों का बयान बिल्कुल एक जैसा जो मैंने अभी आपको राहत में क़िबला की शान विलायत के बारे में बयान किया है। तो हकीकत में इस खानकाह के अंदर जितने बुज़ुर्गान दीन हैं, कहने को तो बड़े बड़े बुज़ुर्ग हैं, हज़रत क़िबला ख़्वाजा मोहम्मद हसन शाह साहब भी थे, हज़रत क़िबला सूफ़ी मोहम्मद हसन शाह साहब थे, सूफ़ी अब्दुलअज़ीम शाह साहब भी थे, लेकिन चमन में जो बहार आई है हज़रत क़िबला ख़्वाजा मोहम्मद राहत हसन शाह रहमतुल्लाह के विसाल फरमाने के बाद इस चमन में बहार आई है। तो ये दुनिया को मानना पड़ेगा, और जो भी साहिब अकीदत और साहिब नस्बत हैं वो इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं और मोहब्बत और अकीदत की ज़ुबान में आपका एहतराम अपनी दिलो जान से करते हैं। आपका आस्थाना बहुत ही फैज़ रसा है, अगर सच्चाई के रास्ते से चल करके अगर कोई हुस्न अकीदत की बुनियाद पर मेरे सरकार दादा हुजूर रात में क़िबला की चौखट पर अगर फरियाद करें तो कोई ताज्जुब नहीं कि इनके कहने वाले के कहने में तो देर हो सकती है, सुनने वाले सरकार उनकी मुराद को पूरी फरमाने में देर नहीं करते। ये है हमारे आका की शान, हमारे दादा हुजूर की निस्बत कामला का असर। तो मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और भाइयों, अपने अकीदत को फूल और अपनी मोहब्बत का फूल इस तरह से बरसाओ कि उनकी रहमत में खुद आवाज़ दें। ये हाजी साहब क़िबला हमारे पीर मुर्शिद हज़रत क़िबला ख़्वाजा मोहम्मद फसाद हसन शाह साहब क़िबला मददुल्लाह अली हमारे पीर मुर्शिद, इनका क्या कहना, इनकी आन बान शान और इनकी बुजुर्गी और इनकी करामत, ये इनके लिए तो यही मिसरा मेरे लिए बहुत सही है अपनी जगह पर कि न काम आती हैं शमशीरें, न काम आती हैं तकदीरें, निगाहें मर्द मंजिल से बदल जाती हैं तब्दीलें। ये मिसरा मेरे ऊपर बिल्कुल फिट आता है कि मैंने जब से सरकार के को देखा उसी वक्त से मेरी ज़िंदगी ने एक नया इनकलाब पैदा किया, और उससे बढ़कर के हज़रत क़िबला ख़्वाजा मोहम्मद नबी अल्लाह दर वो मेरे लिए मुकद्दर का दरवाज़ा खोलने का एक सबब बना। उनकी आस्थाने की हाज़िरी हमारी ज़िंदगी में एक नया इनकलाब लाने वाला साबित हुआ।
وہیں سے ہمیں پیر مرشد ملے اور ہمارے پیر مرشد کے دامن سے جب ہم وابستہ ہوئے تو ہماری زندگی پھر ایک ایسی پریشانیوں سے نکل کر کے خیر و برکت میں بدل گئی جس کا میں اندازہ شمار نہیں کر سکتا کہ میں پہلے کیا تھا اور اب میں کیا ہوں۔ یہ اس کے لیے ایک شعر ہے کہ تیری نسبت نے کہاں سے ہم کو پہنچایا کہاں، یا ولی اللہ یا مرشدنا یا سجدنا۔ تشریف لے چلیے، آئیے زیارت فرمائیے۔ یہ ہے حضرت اللہ خواجہ محمد فضل الرحمٰن شاہ صاحب کا خیر برکت اور بابرکت آستارہ مزار شریف، یہاں پر جہاں سے فلیود و برکات کا اثر چشمہ ابلتا رہتا ہے اور خوشا نصیب فیضاب ہونے والے آتے ہیں اور فیضاب ہو کے جاتے ہیں۔ یہاں پر جو دیکھ ریکھ ہے وہ ہمارے صوفی صاحب کرتے ہیں، آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ بس میں کیا بتاؤں کہ وہ کسی شاعر نے صرف لکھا ہے کہ پہلے ہم بکے نہ تھے، ہمیں کوئی پوچھتا نہ تھا اور تم نے خرید کر ہمیں ہم کر دیا، بس زندگی بدل گئی ہے، پوچھتے نہیں مل جا سکتے، ماشاء اللہ کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے سب کچھ مل جاتی ہے۔ بہت بہت سرکار کا جو ویڈیو کی شروعات کریے نا، ہاں یہ اگر لوگوں کو ایک بار ایسے مرید ہے تو کریں گے ہی کریں گے پسند اس چیز کو، جتنے لوگ بڑھیں گے ہاں تو اس میں اتنے ہی زیادہ ہمارا جو سلسلہ ہے اس کی باتیں لوگوں تک پہنچیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بینیفٹ اس سے ملے گا کہ لوگوں تک نالج پہنچے گی، ہاں معلومات پہنچے گی، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سرکار صوفیزم کیا ہے، صوفیزم کے کیا پوائنٹس ہیں، کیا مقصد ہے، کیا پازیٹیوٹی، کیا اسپریچویلٹی، یہ جو چیزیں ہیں یہ صوفیزم سے اسلام سے جو نکلتی ہیں، اور اسلام آج کے وقت میں جو اسلام کے اوپر ایک دھبا لگ چکا ہے، یہ چیز، یہ جو صوفی لوگ ہیں، یہ جو بزرگان دین ہیں، ان کی باتیں اور ان کے تعلیمات جو ہے وہ اس سے ہمیں ابھارنے میں بہت زیادہ مدد کرے گی۔